हेलो फ्रेंड्स आई नो वेरी फ्यू डेज टू योर एग्जाम एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपने अगले कुछ दिनों तक वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सबसे पहला चीज दिस इज नॉट द टाइम दैट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू नोट्स न्यू बुक्स न्यू लेक्चर्स बहुत सारे बच्चे कॉमन गलती करते हैं दैट इन दी एंड दे ट्राई टू लेट्स से एक्सपेरिमेंट टू मच किसी के के वजह से किसी और की वजह से नया कोई बुक्स रेफर करना शुरू करते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों सिंपल चीज है आज तक जो नोट रेफर करते आए हैं आज तक जो भी ऑथर आपने रेफर किया है जो लेक्चर्स आपने देखे हैं उन्हें ट्रस्ट कीजिए और उससे आगे बढ़िए दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंप्लीटली अवॉइड सेकेंड चीज आपके लिए ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को डाउट करोगे लाइक फॉर एग्जांपल आज एक बच्चे का मैसेज आया लाइक like मैं कॉन्स्टेंटली जो मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ उसके बेसिस पे आपको थोड़ा एडवाइस देना चाहता हूँ आज एक बच्चे का मैसेज आया सर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर्स को पढ़ रहा था रिवाइज कर रहा था आई एम ट्राइंग टू राइट दी आंसर्स बहुत ईजिली हो रहा है एम आई मेकिंग सम मिस्टेक बिल्कुल नहीं दिस इज नॉट द टाइम टू डाउट योर अप्रोच दिस इज नॉट द टाइम टू डाउट योर स्ट्रेटेजी बच्चों दिस इज द टाइम टू एक्चुअली बेट ऑन योर स्ट्रेंथ जो आप आज तक करते आए हैं वो सही है ये अज्यूम करके आगे बढ़ो इफ यू आर गोइंग टू डाउट योर सेल्फ आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो क्रिटिकल तरीके से इवेल्यूएट करके सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं क्या गलत करने का ट्राई कर रहा हूं दिस इज द टाइम यू शुड थिंक मेरे टाइम का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल किस चीज के लिए हो सकता है वो अप्रोच रखो ज्यादा फायदा रहेगा थर्ड थिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई डी बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ने की वजह से काफी कम सोना शुरू कर देते हैं दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर डाइट एंड देन द लास्ट थिंग यू वांट इन योर लाइफ इज

बढ़ी है दट इज गोइंट टू बी बेटर अप्रोच डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप और डाइट एट ऑल रिमेंबर दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक स्टूडेंट कमिट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम नेक्स्ट वन ये और बड़ा प्रॉब्लम है चाहे आप कितना भी ट्राई कर लीजिए मेजोरिटी लोग इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं मेरा ड्यूटी बनता आपको बताने का दिस इज नॉट द टाइम टू कंपेयर विद एनी चाहे आपका बेस्ट पॉसिबल दोस्त रहेगा या आपका लाइब्रेरी में बैठने वाला कलीग रहेगा उसका कितना पढ़ाई हो रहा है वो दिन में कितना घंटा पढ़ पा रहा है यह सोच के कोई फायदा नहीं होने वाला है आप ये सोचिए आपके सबसे बेस्ट पॉसिबल शेड्यूल क्या है इफ यू बिलीव यूर अ मॉर्निंग पर्सन दर इज द बेस्ट थिंग गेट अप अर्ली ट्राई टू डिवोट बेस्ट पॉसिबल आर्स आप अपना जो प्लान है उसके उसके हिसाब से स्टिक कीजिए किसी

दिमाग में डाउट आएगा कि सर शायद दोनों ग्रुप ग्रुप के बजाय एक देता हूं। अगली बार तो शायद मेरे को दो सब्जेक्ट कम लिखने पड़ेंगे आपने जब ये डिसीजन लिया था कुछ महीने पहले आपने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपने अटेंड करने के बाद खुद से रिविजन किया है कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लिखा है आप अपने प्रोसेस को आप अपने अप्रोच को ट्रस्ट कीजिए उसके साथ आगे बढ़ते जाइए ऐसे टाइम पे लास्ट कुछ दिन में बिफोर दी एग्जाम अपने आप पे डाउट आना अप्रोच पे डाउट आना नेचुरल है बट दिस इज नॉट द टाइम वेर यू गिव अप राधर आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था आपने शायद अगर मैच देखा होगा या न्यूज़ के अंदर सुना होगा आइडियली एक छोटा सा चीज़ शेयर करता हूं आखिरी के जो पंद्रह रन जो इंडिया को चाहिए थे आइडियली यू नो आई बिलीव ये मुझे लगता है आइडियली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है विराट कोहली

अगले कुछ दिन के लिए कंप्लीटली सेल्फिश बन जाइए जिंदगी के अंदर आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है आई एम नॉट सिइंग आप जिंदगी में सेल्फिश बन जाइए मैं बोलता हूं कुछ टाइम के लिए अपने गोल के लिए सेल्फिश बन जाइए उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको आई होप ये चीज आप थोड़ा रिलेवेंट पॉजिटिव तरीके से देखेंगे मैंने आपको आज पांच डोंट्स बताया क्या चीजें आपको नहीं करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसी चीज जो आपने हंड्रेड परसेंट अडाप्ट करनी चाहिए इस टाइम के अंदर आई विल नॉट वेस्ट आउट ऑफ योर टाइम आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए कंटिन्यू i'm sure you will guys do great really really great all the best for your exams if you like such content do share with your friends if they are also preparing for the exam and subscribe if you like thank you guys bye bye